यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या है क्या असल में। पर्सन मैं सपोर्टर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजित की दुनिया में। सो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैं और शुभम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, और हमें बहुत लेट हो गया निकलने के लिए, पहले ही निकलना चाहिए था, लेकिन क्या करें, अब मंजिल जो है वही हमें तय करती है समय। तो अभी शुभम आ रहा है, मैं उसके घर के नीचे ही हूँ बस, और यहाँ बाइक रेडी है शुभम का, तो हम एक ही बाइक पर जाएंगे। यहाँ से लगभग चेन्नई से 120 किलोमीटर दूर है, और हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी अभी, जो कि अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, और थोड़ा समय लगेगा जाते हुए क्योंकि 120 किलोमीटर जो है वो तो कवर करना है। सो मैं और शुभम अपना जर्नी स्टार्ट करते हुए एक बार हाय बोल दो कैमरे को। सो आपने जो है मेरा और शुभम का जो ब्लॉग है वो तो कॉम्बेदरू डायरीज में देखा ही होगा। अब नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जर्नी अभी यहाँ पे। हमने अभी पेट्रोल पम्प से जो है तेल वगैरह फिल कर लिया है, क्योंकि रास्ते की कोई ठीक नहीं होता कि कब क्या हो जाए। हवा भरने के लिए अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और क्योंकि वो अन्ना जो है वो चाय पी रहे हैं अभी। जब मक्खन जैसा रास्ता हो तो मंजिल की और तेज़ी से बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मंदिर वगैरह देख के, गाड़ी वगैरह देख के हम बस बढ़ ही रहे हैं आगे, और यहाँ के रोड इतना खुला हुआ है, मतलब पिकअप ले सकते हैं आराम से। अब हम हाईवे से जो है सीधे सर्विस रोड में आ गए हैं, और सर्विस रोड आपको कट करके लेना है यू टर्न, उसके बाद हम विलेज रोड में पहुंच गए। विलेज रोड में तो आपको पता ही है कि विलेज कैसा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ का पेड़ पौधे जो है इसमें एक भी धूल जमा नहीं होते हैं जैसे हाईवे में होता है। एंड नाउ वी क्रॉस तमिलनाडु बॉर्डर, और हम अभी है आंध्र प्रदेश में, और स्टार्ट हो रहा है आंध्र प्रदेश की जर्नी। और यहाँ से जो है हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट 30 किलोमीटर और है, मतलब और 45 मिनट्स लगेगा। और यहाँ का रोड भी जो है बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है, ताकि हम जल्दी पहुँच जाए, और बस अब उसी के साथ चल रहे हैं मैं और शुभम। कंटिन्यूस राइड करते हुए जा रहे हैं हम लोग, और बहुत ही जल्दी पहुँच रहे हैं क्योंकि रोड वगैरह जो है अच्छे हैं, और इसकी वजह से क्लाइमेट भी जो है थोड़ा बहुत ठीक है। गर्मी था, अभी जो है जैसे कि सन तो है नहीं, कूल ब्रीज एयर जो है अभी चेहरे पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि ये जो नगलापुरम वाटरफॉल्स है ये आपको मैप में कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मैप यहाँ का लोकेशन शो नहीं करता है, कोई वाहन नहीं है जाने के लिए, यहाँ पे आपको खुद के ट्रांसपोर्ट खुद ही लेके जाना होगा। पूरा एरिया आप देख सकते हैं पूरा पत्थर से भरा हुआ है आपके, और शुभम बाइक पार कर लिया क्योंकि डबल नहीं जा सकते। ऑलमोस्ट हम नज़दीक पहुँच ही गए हैं, यहाँ पे बाइक्स वगैरह रखना होगा क्योंकि अंदर नहीं लेके जा सकते, अंदर जो है रास्ते बहुत ही कम है बाइक लेके जाने के लिए। ट्राई किए थे पर हम नहीं लेके जा रहे हैं, और अभी शुभम जो है बाइक को लगा रहे हैं ठीक से। और यहाँ पे जो अगर आप आ रहे हैं तो मौसम देख के आइए, क्योंकि अगर धूप है तभी आप आने की जो है संभावना कीजिए, और मेरे हिसाब से जो है ऐसी जगह पे आपको आना, मतलब थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही है आपको। अगर आपको वाकई नेचर से प्यार है तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना ही होगा। और लेकिन हम पहुंच गए फिलहाल, अब देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, जैसे हो सके मैं आपको दिखाता रहूँगा। और शुभम होल रास्ते ड्राइव कर राइड करके आया है, बेचारा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है और पूरा रेडी होके आया है वो। ये करते करते हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी मछली दिख रही है। और ट्रैकिंग के लिए हम तैयार हो गए अभी। सो मैं बस अपने टी शर्ट में तैयार हो गया, अब हम जो है ट्रैकिंग पे निकलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी का जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है।
देखा, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है शुभम वहाँ पे पोज दे रहा है, फोटोज वगैरह खींच दिया मैंने। और ये देखिए लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आगे और भी जाना है हमें, चलिए चलते हैं। इस जगह पे जो है कुछ एनिमल वगैरह है शायद, मतलब एनिमल नहीं, वही देखेंगे क्या है यहाँ पे, शायद कुछ तो आगे पता नहीं, वहाँ पे कुछ आवाज़ वगैरह आ रही थी, हमने देखा कुछ चीज़ें जो है चल के आ रहे हैं, पर आराम से आ रहा था, जैसे हम अपना फुटस्टेप ले रहे थे वो भी अपना फुटस्टेप ले रहे थे, और पता नहीं क्या था वो, हमने देखा नहीं, जंगल भी था थोड़ा सा, जो भी था बस कुछ हार्म ना करें हम। यहाँ पे अंदर ही एक मंदिर है यहाँ पे, चलो। और शुभम हमारे साथ यहाँ पे आगे चलते हुए, आप देख ही सकते हैं कैसा है नज़ारा, बिल्कुल व्यू एकदम मस्त है, और मेरा और शुभम का दोनों का फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। और तो आप आगे देख ही सकते हैं ये नज़ारा, और बस हम पहुँच गए यहाँ पे, आप देख सकते हैं कैसे पानी की जो झरने हैं वो गिर रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादा फेंसिंग दिया हुआ है क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा गहरा हो सकता है, तो इसलिए जो है फेंसिंग दे दिया है यहाँ पे, तो लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। शुभम का जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम था, और आते ही जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि ये जो है यहाँ पे फेंसिंग लगा हुआ है और जो डिस्टेंस है यहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हम आगे जो है नहीं जा सकते इससे, और यहाँ पे जो उतरेंगे ये तो पानी जो है मछलियों से भरा हुआ है, हम यहाँ पे अगर उतरते हैं तो थोड़ा ही बस घुटने तक ही पानी है यहाँ पे, फिर भी यहाँ का जो नेचर है वो तो बहुत ही अच्छा है। आप अगर आते हैं तो यहाँ पे बस एक शांत सा माहौल बना हुआ है जहाँ पे बैठ के आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, इस पानियों की जो आवाज़ है वो सुन सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या है क्या असल में। यहाँ जब हम गौर से देखे तो बस दिल दहल गया हमारा, क्योंकि दो स्नेक जो है यहाँ पे थे, और हो सकता है हम यहाँ पे अपना रास्ता घूम गए क्योंकि सब दिख रहा है, जिसकी इधर से आए थे या इधर से आए थे हम वो समझ नहीं पा रहे, हम जो अपना रास्ता घूम बैठ गए यहाँ पे अभी और ढूंढ रहे हैं उसी को, मतलब कुछ लैंडमार्क याद करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं अब कैसे निकले यहाँ से, और हमें रास्ता मिल गया फाइनली। इतनी छोटी सी गली थी तो हम देख नहीं पाए, जिसकी वजह से जो है फंस गए थे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए, अब जो है हम निकल गए और जा रहे हैं। तो हम अभी वहाँ से रिटर्न आने के बाद रुके हैं एक शॉप, और जहाँ पे हम अभी पियेंगे लेमन जूस, और फिर उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और वैसे भी बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पे जाके, एक्चुअली नेचर का जो फील है एग्जैक्टली हम वहाँ से सीख सकते हैं, पर हाँ थोड़ा सा गंदगी है क्योंकि लोग हमारे जैसे लोग ही गंदगी करते हैं वहाँ पे, और अच्छा था बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा रिस्क भी था और इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए जो कि जान पे आ जाए, पर जितना भी हो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे जाकर। और पहुंच गए तमिलनाडु बॉर्डर, क्रॉस कर लिए हैं आंध्र प्रदेश, बाय आंध्र प्रदेश, फिर से आएंगे ज़रूर। और अभी हम एंटर कर चुके हैं हमारे तमिलनाडु बॉर्डर पे, बसी के साथ अभी जा रहे हैं, मैं बोर्ड देख सकते हैं आप। अभी हम आके बैठे हैं एक खाने की रेस्टोरेंट पे, और अपने लिए ऑर्डर किया है वाइट राइस, और अपने लिए ऑर्डर किया है पराठा, मेरा पराठा भी आ गया है। बहुत दिनों से मैं और शुभम प्लान कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जाए घूमने के लिए, ट्रैकिंग वगैरह के लिए, लेकिन समय नहीं हो रहा था और दोनों का वीकेंड है तो इसलिए हम लोग निकल गए। वैसे दिन अच्छा था, अब हम लोग खा के फिर से निकलेंगे घर की ओर, रवाना हो जाएंगे। सो वी आर रेडी टू गो नाउ, अब चलते हैं, खाना खजाना हो गया, अब निकलते हैं। सो अभी हम जो है पहुँच गए यहाँ पे चेन्नई आके, बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो गया है और
घूम के भी आए, तो शुभम भी है मेरे साथ, वो भी पहुँचे, तो कैसा लगा बता दो अपना दो शब्द। ये भी बहुत पीस सब कुछ था, एडवेंचर या सो। अभी जो है हम लोग, मैं जाऊँगा, वो अपने घर पहुँच गया है, मैं निकल रहा हूँ बस। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। That's it. Life is awesome. जिंदा है कमाल. Take care. Love you all. एक चीज का और डिसअपॉइंटमेंट है, लोग जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बस आप देख सकते हैं कि पूरी गंदगी करके चले जाते हैं, ये गलत है। आप जैसे आते हैं, जैसे आपको ये नेचर साफ सुथरा मिलता है, बस आपको जो है वैसे ही साफ सुथरा रखना है और उसके बाद ही जाना है। आप अगर कुछ गंदा करते हो तो यहाँ से बाहर कहीं डस्टबिन में फेंकते हैं, वो अच्छा होता है, लेकिन ऐसा अगर करते हैं आप, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो दूसरे भी ऐसा ही करेंगे। सो आप मुझे, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी जगह पे आप आते हैं तो इसे साफ रखिए, ना कि गंदगी फैलाइए आप।